जिस पर एक बार बयान आ गया है मंत्री का, लोकसभा के अपने कुछ नियम है, उन्होंने ही कहा कि बयान दीजिए आईटी मंत्री को। इंदिरा साहनी का एक फुल बेंच का जजमेंट है और लाभ हानि सभी के आकलन हो रहे हैं। सरकार सभी बातों की चर्चा करने को तैयार थी, वो हम कह रहे थे कि कोरोना पे चर्चा कीजिए, वो तैयार नहीं थे। जिस पर एक बार बयान आ गया है मंत्री का, लोकसभा के अपने कुछ नियम है, उन्होंने ही कहा कि बयान दीजिए आईटी मंत्री को। आईटी मंत्री ने बयान दे दिया और खुद वो कहते थे कि हम किसानों पे चर्चा करेंगे, हम वैक्सीन पर चर्चा करेंगे, कोरोना के दरमियान जो होगा उस पर चर्चा करेंगे। पर पूरे लोकसभा में विरोधी दलों का मुख्य उद्देश्य यही था कि वह अच्छे से जानते हैं कि अगर कृषि कानून बिल पर चर्चा हो जाए किसानों पर, तो उन्हें फिर से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए जानबूझ करके किसानों की चर्चा नहीं हो, कोरोना की चर्चा नहीं हो, क्योंकि अंत में मुफ्त वैक्सीन हो चाहे कृषि कानून हो, उन्हें ही वो खाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने लोकसभा चलने नहीं दिया। या आप भी इस पर सवाल पूछिए। और इसके देखिए, इंदिरा साहनी का एक फुल बेंच का जजमेंट है और लाभ हानि सभी के आकलन हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर कोई जजमेंट दे दिया है कि इसके ऊपर से आरक्षण की व्यवस्था हो ही नहीं सकती है, और ये संविधान में कहा गया है कि मूलभूत अधिकार में से है, तो जाहिर बात है कि केंद्र सरकार इसके पूरे लाभ हानि का आकलन कर रही है, और जैसा वो निर्णय पे पहुंचेंगे वैसा सबको होगा। सर, केंद्र भारतीय जनता पार्टी ने जो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का निर्णय लिया है, उसके प्रदेश के संयोजक, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान पार्षद प्रमोद चंद्र बख्शी जी, मुख्यालय प्रभारी सुरेश रुंगटा जी, यहाँ उपस्थित इस आशीर्वाद यात्रा के सह संयोजक रूप नारायण मेहता जी और सभी प्रेस के बंधुओं, विगत 8 जुलाई को एनडीए सरकार का एक एक्सपेंशन हुआ और भारत के इतिहास में पहली बार 27 पिछड़ों को भारत सरकार में भागीदारी मिली है। पहली बार 12 अनुसूचित जाति के मंत्री और 8 मिला हुआ। अनुसूचित जाति का अपना आरक्षण है, 50% आरक्षण इस देश में मिला हुआ। इंदिरा साहनी का जो जजमेंट हुआ था उसमें यह साफ कहा गया कि आप 50% से ज्यादा आरक्षण देना हमारे संविधान के मूल भावना के विपरीत है, और यह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला, संवैधानिक बेंच का, और संवैधानिक बेंच से ऊपर भारत में कोई संस्था नहीं है जो संविधान की व्याख्या करती है। इसलिए जब उसके लाभ हानि सब चल रहे हैं और दूसरे भी जो कारण सब हैं, सब वो देखते हुए हो रहा है। आपके सहयोगी जन आशीर्वाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।